माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का फरीदाबाद सेक्टर 12 हुड्डा कन्वेंशन सेंटर में अभिनंदन किया गया। फरीदाबाद की राजस्थान एसोसिएशन द्वारा आयोजित इस सम्मान समारोह में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जबकि हरियाणा के उद्योग मंत्री विपुल गोयल विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। लोकसभा अध्यक्ष का पारंपरिक राजस्थानी स्वागत गीत के साथ किया गया। राजस्थान एसोसिएशन के अध्यक्ष मधुसूदन लड्ढा, महासचिव संजीव जैन, कोषाध्यक्ष गुलाब चंद वैद एवं कार्यक्रम संयोजक अरुण बजाज और उनकी टीम ने अतिथियों का स्वागत किया। लोकसभा अध्यक्ष का गुलदस्तों और बड़ी माला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। एफआईए के अध्यक्ष संजीव खेमका ने अतिथियों का स्वागत किया। राजस्थानी एसोसिएशन से जुड़ी महिलाओं ने लोकसभा अध्यक्ष की पत्नी डॉक्टर अमिता बिरला का भी अभिनंदन किया। समारोह में मौजूद लोगों ने 17वीं लोकसभा के पहले सत्र के सफल संचालन के लिए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का खड़े होकर करतल ध्वनि के साथ स्वागत किया। कि जो ओम बिरला जी की जो शख्सियत है और जो उनका एक ओरा है, उससे हम लोग तो एकदम फिदा हैं साहब उनसे। और मैं तो ये कहता हूँ, जब मेरे को जब भी समय मिलता है ऑफिस के अंदर, जब पार्लियामेंट का सेशन चल रहा होता है, तो मैं लोकसभा टीवी जरूर देखता हूँ। वो इतना मज़ा आता है, जो वहाँ पे डिसिप्लिन, वो सबसे बड़ी बात जो उनका जो कंट्रोल है बिना भेदभाव के, पक्ष और विपक्ष के, बड़ा अच्छा लगा। और कई सालों के बाद में एक ऐसा कर्म योगी हमें मिला है, तो फिर उसके बाद राजस्थान के हैं हम लोग, सब राजस्थानी हैं, हमारे लिए और भी गर्व की और गौरव की बात है कि इस सर्वोच्च पद पे आज वो वहाँ पर आकर के राजस्थान और राजस्थान के लोगों का जो मान सम्मान बढ़ाया है, तो मैं तो उनको बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ और हम बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं। ओम बिरला जी से पिछले हफ्ते ही मिलने का मौका मिला था। उनकी सशक्त और कार्यप्रणाली और उनका कार्यशैली ने हमें इतना प्रभावित किया है कि आज के दिन हर कोई जो कि पहले लोकसभा टीवी नहीं देखता था, मेरे ख्याल से आजकल आपके टेलीविज़न की टीआरपी बढ़ रही है उनको देखने के लिए। सो ऐसे महान व्यक्तित्व का, जिन्होंने राजस्थान और राजस्थानियों का नाम गौरव से ऊंचा करा है हमारे भारत में, तो उनका अभिनंदन करने के लिए आज हमने समारोह आयोजित किया है। जो राजस्थानी समाज से रिलेटेड ही माहेश्वरी समाज, तेरापन समाज, मारवाड़ी युवा मंच और भी बहुत सारे समाज हैं, जिनकी जो माटी राजस्थान की माटी से ही संबंधित रखते हैं, वो सब लोग आए हुए हैं। बाकी भी बिजनेस से रिलेटेड जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस है, उनको भी हमने इनवाइट किया है, तो हमारे लिए बहुत ही गौरवान्वित होने का मौका है। राजस्थान एसोसिएशन फरीदाबाद में पिछले 43 वर्षों से समाज में, फरीदाबाद में बहुत ही बढ़ चढ़ कर समाज में काम कर रहा है। और बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि फरीदाबाद में राजस्थान के कम से कम 50,000 परिवार फरीदाबाद में बस रहे हैं।
अभिनंदन समारोह में कई संस्थाओं ने बारी बारी से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का स्वागत किया। इन संस्थाओं में माहेश्वरी मंडल, जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा, मारवाड़ी युवा मंच, वैश्य समन्वय समिति एवं वैश्य समाज फरीदाबाद शामिल रहे। इन संस्थाओं के तमाम पदाधिकारियों ने गुलदस्ते स्मृति चिन्ह देकर लोकसभा अध्यक्ष का अभिनंदन किया। लोकसभा अध्यक्ष ने इस अभिनंदन के लिए लोगों का आभार जताया। संसद जनता के अभिव्यक्ति का लोकतंत्र का मंदिर है। जनता हमको इसलिए चुनकर भेजती है कि सहमति असहमति तो हो, लेकिन अभिव्यक्ति यहाँ पर हम करें। व्यवधान, नारेबाजी, तख्तियाँ, इसके लिए जनता हमें संसद सदस्य के रूप में चुनकर नहीं भेजती। ये संसद के बाहर आपका प्रदर्शन, धरना, तख्तियाँ, नारेबाजी, इसका अधिकार सब लोकतंत्र में सभी को दिया है, लेकिन संसद आपका अभिव्यक्ति का लोकतंत्र का मंदिर है। आप अपनी बात की अभिव्यक्ति करें, निष्पक्ष रूप से करें, सहमति असहमति से करें, अपनी दल की विचारधारा के आधार पर करें, लेकिन संसद को सुचारू रूप से चलने दें। संसद में व्यवधान न्याय, और मुझे खुशी है सभी माननीय सदस्यों ने इसके लिए सहयोग किया और इस संसद की प्रोडक्टिविटी 125% 1952 के बाद प्रोडक्टिविटी 125। और कोई बिल ऐसा, कोई विधेयक ऐसा नहीं रहा जिस विधेयक को मैंने शोर शराबे नारेबाजी के अंदर पारित कराया हो। बड़े से बड़ा बिल हो, चाहे धारा 370 का हो, तीन तलाक का हो, सूचना का दिया, तमाम बिल, जिन बिलों पर लंबी डिबेट हुई, लंबी चर्चा हुई, सारगर्भी चर्चा हुई, क्योंकि अपनी अपनी दल की विचारधारा थी, सहमति असहमति थी, मतों का विभाजन भी हुआ, लेकिन संसद के अंदर डिबेट हुई। और मैं संसद के अंदर ये चाहता हूँ कि सहमति असहमति हो, क्योंकि लोकतंत्र अगर जीवंत रहना है तो सहमति असहमति भी होगी, विरोध भी होगा, प्रतिपक्ष भी होगा, लेकिन संसद की कार्रवाई चले, वो बाधित ना हो। देश की जनता का करोड़ रुपया इस संसद के अंदर लगता है और इस करोड़ रुपये का उपयोग देश के हित में, समाज के हित में हो, इसकी कोशिश करने का मैंने प्रयास किया। अभिनंदन समारोह में राजस्थानी पृष्ठभूमि के परिवारों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। समारोह में महिलाओं ने भारी संख्या में शिरकत की। समारोह में फरीदाबाद के कई उद्योगपति मौजूद रहे। लोकसभा अध्यक्ष ने भी देश के विकास में उद्योग जगत की तरफ से मिल रहे योगदान को सराहा। इस देश के अंदर वही संस्कृति, वही संस्कार है कि भामाशाह के रूप में आप धन भी कमाते हैं, लेकिन समाज की सेवा का और पुण्य का काम भी करते हैं। और इन्हीं भामाशाहों की भूमिका के कारण आज हमारा देश का ये लोकतंत्र, प्रजातंत्र जीवंत है। और बिना भामाशाहों के इस देश के, समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन में उजाला नहीं कर सकता। हमें समाज में अगर परिवर्तन करना है, सामाजिक रूप से समाज के अंतिम व्यक्ति तक उसके जीवन में उजाला करना है, तो भामाशाह संस्कृति और संस्कार हमेशा होना चाहिए। और मैं आप सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि आप में ये संस्कार हैं, विचार हैं, कि आप के सहयोग से हर घर के अंदर जहाँ उजाला करने का भी काम करते हैं, वहाँ दो हाथ को काम देकर आप इस देश के अंदर रोजगार सृजन करने का काम भी करते हैं।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सेक्टर 17 स्थित हरियाणा के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल के आवास पर आयोजित गणेश उत्सव में भी शामिल हुए। गणेश उत्सव पंडाल में मौजूद हजारों लोगों ने तालियां बजाकर लोकसभा अध्यक्ष का स्वागत किया। गणेश उत्सव के मौके पर कई प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लोकसभा अध्यक्ष ने समाज की तरफ से किए जा रहे ऐसे सांस्कृतिक आयोजनों की तारीफ की।